हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सुषमा एडुअल में। आज के एमएस वर्ड वीडियो में हम सीखने वाले हैं लेआउट टैब में अरेंज ग्रुप को। अरेंज ग्रुप का इस्तेमाल आप वर्ड डॉक्यूमेंट में इंसर्ट ग्राफिन को अरेंज करने में करते हैं। अगर आपको पिक्चर की पोजीशन, उसके अलाइनमेंट या ग्रुपिंग या सिलेक्शन पिन का यूज करना है, तब हम यहाँ पर अरेंज का यूज करते हैं। जैसे अभी हमारे पास टेक्स्ट है और हमें यहाँ पर कोई ग्राफिक्स को अरेंज करना है, तो इसके लिए हम इंसर्ट में जाएंगे और यहाँ से कोई भी पिक्चर को ले लेंगे। अब आपको लेआउट ऑप्शन में जाना है। पहले आप देख रहे थे पोजीशन, ब्रेप टेक्स्ट, सिलेक्शन पेन, ये सब हाईलाइट नहीं था, पर जैसे ही हमने इमेज को लिया यहाँ पर ये हाईलाइट हो गया है। अब जैसे हमने इमेज लिया है तो इसकी पोजीशनिंग करनी है। यहाँ पर हम पोजीशन में जाएंगे। अगर आप टॉप लेफ्ट स्क्वायर टेक्स्ट रैपिंग करेंगे तो ये कुछ इस तरह से आपको दिखेगा। अगर सेंटर में करते हो तो यहाँ पर ये हमारा सेंटर में आ गया है। अगर आप इसे टॉप राइट में करोगे तो कुछ ये इस तरह से दिखेगा। यहाँ पर ये मिडिल लेफ्ट में है, यहाँ पर ये मिडिल सेंटर में है और यहाँ पर ये मिडिल राइट में। इसी तरह बॉटम में करोगे तो ये बॉटम में चला जाएगा, बॉटम के मिडिल में आ जाएगा और ये बॉटम के राइट में आ जाएगा। तो अगर आप कोई इमेज का यूज कर रहे हो तो आप उसे इस तरह से पोजीशन दे सकते हो। अब जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है वह है रैप टेक्स्ट का। टेक्स्ट रैपिंग का यूज हम डॉक्यूमेंट एंड पिक्चर को मैनेज करने के लिए करते हैं। इसमें हम डॉक्यूमेंट एंड पिक्चर दोनों को मैनेज कर सकते हैं। जैसे अगर हमने रैप टेक्स्ट को ओपन किया, यहाँ पर अगर मैं इमेज को यहाँ पर लेकर आ रही हूँ तो आप देख रहे हैं ये बिल्कुल टेक्स्ट के लाइन पे है। अगर आपको अपने इमेज का इनलाइन टेक्स्ट यूज करना है तो आप इस तरह से कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्क्वायर। अगर आप स्क्वायर करते हैं तो आपका जो इमेज है वो स्क्वायर का शेप ले लेगा और उसके आसपास आपको सारे टेक्स्ट दिखेंगे। अगर आप टाइट का यूज करेंगे तो आपको यहाँ पर टाइट और स्क्वायर में थोड़ा डिफरेंस दिखेगा। टाइट में क्या होता है, आपके शेप के आसपास जो भी स्पेस है उसमें भी टेक्स्ट आपको दिखता है। जब आप स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर अपनी पूरी स्क्वायर वाली जगह ले लेता है, लेकिन अगर आप टाइट करेंगे तो टाइट इसके आसपास जो भी स्पेस रहेगा वहाँ पर टेक्स्ट को ले लेगा। थ्रू और टाइट में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। नेक्स्ट है टॉप एंड बॉटम। अगर आप टॉप एंड बॉटम करेंगे तो ये या तो टॉप में चला जाएगा और जो टेक्स्ट होंगे ये इसके आसपास नहीं होंगे। अगर आप बिहाइंड टेक्स्ट करते हो तो ये जो इमेज है वो बिहाइंड ऑफ द टेक्स्ट चला जाएगा। ये आप सेंड बैकवर्ड में भी जाकर कर सकते हो, सेंड बिहाइंड टेक्स्ट। अगर इस इमेज को वापस बाहर लाना है तो आप ब्रिंग फॉरवर्ड में जाओगे और यहाँ पर ब्रिंग इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो आ जाएगा। इसके अलावा अगर आप रैप टेक्स्ट में भी जाकर इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करते हो तो ये इमेज हमारा टेक्स्ट के बाहर आ जाएगा। इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट और बिहाइंड ऑफ टेक्स्ट का यूज आप रैप टेक्स्ट में भी जाकर कर सकते हो या आप सेंड फॉरवर्ड और ब्रिंग फॉरवर्ड से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आपको मिलता है एडिट रैप पॉइंट्स का। अगर आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर कुछ एडिट्स पॉइंट बन जाएंगे। अगर मैं इसे चाहूँ तो इसे हम थोड़ा शेप दे सकते हैं, जो टेक्स्ट होगा वो उस शेप के अकॉर्डिंग होगा। तो इस तरह से आप चाहें तो एडिट पॉइंट का यूज कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर अलाइन को देख लेते हैं। अलाइन से आप क्या कर सकते हो, किसी भी पिक्चर को अलाइन कर सकते हो, लेफ्ट में, सेंटर में, राइट में, टॉप में, मिडिल में। तो ये आप कैसे करोगे, जैसे अभी आप अलाइन सेंटर करोगे तो ये हमारा जो इमेज है वह सेंटर में चला जाएगा। अगर राइट करते हैं तो राइट में आ जाएगा। इस तरह से आप अपने इमेज को अलाइन कर सकते हो। अगर अलाइन टॉप करोगे तो ये टॉप में चला जाएगा। इसे मिडिल में रखना चाहते हो तो मिडिल कर दो। अब इसे सेंटर करना है तो आप सेंटर कर देंगे तो ये हमारा अलाइन मिडिल सेंटर हो गया है। अगर आपको बॉटम में करना है तो ये हमारा इमेज बॉटम में आ गया है। तो इस तरह से आप अपने इमेज को अलाइन कर सकते हैं। अब अगर आपको अलाइन टू पेज करना है, हम अलाइन टू पेज पे क्लिक करेंगे और अब अगर आप अलाइन राइट करेंगे तो देखिएगा अब ये बिल्कुल पेज के अकॉर्डिंग इमेज को ले लेगा। और अगर हम अलाइन लेफ्ट करेंगे तो ये बिल्कुल पेज के लेफ्ट में आ गया है। पहले हमारा अलाइन टू मार्जिन था तो ये मार्जिन के अकॉर्डिंग ले रहा था। आप ध्यान दीजिएगा, आप देख रहे हैं ये जस्ट मार्जिन के अकॉर्डिंग है और जैसे हम अलाइन टू पेज करते हैं तो ये पेज के अकॉर्डिंग हो रहा है। तो इस तरह से भी आप इमेज को अलाइन कर सकते हैं। इंसर्ट में हम जाएंगे और यहाँ से हम शेप को ले लेते हैं, यहाँ से एक और शेप को ले लेंगे। अब मान लीजिए हमें ये जो ट्रायंगल शेप है इसे हमें स्क्वायर के नीचे लाना है, तो इसके लिए आप क्या करोगे, इसके लिए आप लेआउट में जाओगे एंड ब्रिंग फॉरवर्ड में जाना है और यहाँ पर आपको क्लिक करना है ब्रिंग फॉरवर्ड में। तो आप देख सकते हैं ट्रायंगल हमारा सर्कल के पीछे था, अब वो हमारा सर्कल के आगे आ गया है। अगर आपको इस ट्रायंगल को स्टार के आगे भी लाना है तो फिर से आप ब्रिंग फॉरवर्ड में जाओगे और इसे ब्रिंग टू फ्रंट कर दोगे।
तो हमारा ये ट्रायंगल स्टार के भी आगे आ गया है। अगर इसे सेंड बैकवर्ड करना है तो सेंड बैकवर्ड करोगे तो ये अभी कहाँ गया है, स्टार के नीचे गया है। इससे भी पीछे भेजना है, सर्कल के पीछे भेजना है, तो सेंड बैकवर्ड में जाएंगे और सेंड टू बैक पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा बैक में चला गया। तो इस तरह से आप ब्रिंग फॉरवर्ड और सेंड बैकवर्ड का यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम जैसे एक और स्टार ले लेते हैं। अब नेक्स्ट ऑप्शन जो है सिलेक्शन पेन का, इसे हम क्यों यूज करते हैं? इसका यूज इसलिए होता है क्योंकि जब आप बहुत सारे ऑब्जेक्ट पे काम करते हो, लाइक आपने बहुत सारी ऑब्जेक्ट शेप्स ले ली है, तो अगर आपको सिलेक्शन करना है तो उसमें काफी प्रॉब्लम होती है। तो अगर आप सिलेक्शन पेन को सिलेक्ट कर लेते हो तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाती है। आप इसलिए किसी को भी सिलेक्ट करके आसानी से काम कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने इतना सारा शेप लिया है तो यहाँ पर सारे शेप्स के नाम आ गए हैं। आपको जिस शेप्स को भी सिलेक्ट करना है आप यहाँ पे क्लिक करो और वो शेप सिलेक्ट हो जाएगा, आप उसे आसानी से बाहर निकाल सकते हो। अगर आप बिना सिलेक्शन के करोगे तो वहां पर थोड़ी प्रॉब्लम आती है। इस तरह से आप ऑब्जेक्ट को काफी आसानी से अलग कर सकते हो। तो यहाँ पर सिलेक्शन पेन हमारा काफी हेल्प करता है अगर आप नंबर ऑफ शेप्स में काम कर रहे हो, तो ये काफी अच्छा ऑप्शन है काम करने के लिए। अब हम इंसर्ट में जाते हैं और यहाँ पर कुछ शेप्स को ले लेते हैं। अभी ये शेप हमारा अलाइन नहीं है, अगर हम इसे अलाइन करना है यहाँ पर हम कलर थोड़ा दे देते हैं अपने शेप को। अब यहाँ पर हमारा ये शेप है जो कि बिल्कुल भी अलाइन नहीं है, आप देख रहे हो ये शेप कैसे जा रहा है। तो पहले आप क्या करोगे, इसे सेलेक्ट कर लेंगे, लेआउट में जाएंगे, अलाइन में जाएंगे और यहाँ पर आपको इसे अलाइन टॉप कर देना है। तो आप देख रहे हैं ये हमारा अलाइन टॉप हो गया है, लेकिन ये हमारा इमेज यहाँ पर गैप है, यहाँ पर गैप नहीं है। तो इसे आप कैसे ठीक करेंगे, इसके लिए अलाइन में जाएंगे और यहाँ पर कर देंगे डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली। तो अब आप देख रहे हैं सारे के बीच में जो गैप है वो बराबर आ रहा है। तो इस तरह से आप अलाइन का यूज कर सकते हैं। अगर आपको ये वर्टिकली करना है, जैसे हम यहाँ पर शेप ले लेते हैं। अब इन सबको हम सेलेक्ट कर लेंगे, कंट्रोल प्रेस करके आप सारी इमेज को सिलेक्ट कर लेंगे। अब आपको जाना है अलाइन में और इसे हम कर देते हैं अलाइन लेफ्ट। तो ये हमारा सारा अलाइन लेफ्ट हो गया है, लेकिन अभी आप देख रहे हैं ये एक दूसरे के ऊपर चढ़ा हुआ है। तो इसे हम ठीक कैसे करेंगे, इसके लिए आपको अलाइन में जाना है और यहाँ पर आप क्लिक करोगे डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकली। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर हमारा सारा इमेज डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकली हो गया, जो कि देखने में काफी अभी खूबसूरत लग रहा है। तो इस तरह से आप डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकली और डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली का यूज कर सकते हैं। अब हमने यहाँ पर जैसे एक इमेज लिया है, अब अगर आप इसे रोटेट करेंगे, अगर हम इसे रोटेट 90 डिग्री पे करते हैं तो ये इमेज आपको इस तरह से दिखेगा। अगर लेफ्ट में करोगे तो कुछ इस तरह से आपको दिखेगा। अगर वर्टिकल करते हो, हॉरिजॉन्टल करेंगे, तो इस तरह से आप अपने इमेज को रोटेट कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट ऑप्शन है वह ग्रुप का है। अभी हमारा ये ग्रुप ऑप्शन इनेबल नहीं है। ग्रुप करने के लिए आपके पास एक से ज्यादा इमेज होना चाहिए। अब जैसे हमने स्टार को यहाँ लेकर आए और हम ब्रिंग फॉरवर्ड में जाएंगे और इसे ब्रिंग टू फ्रंट कर देंगे। यहाँ पर स्टार को रखेंगे, इसे भी ब्रिंग टू फ्रंट कर देंगे। अब क्या हुआ कि अभी हम इस इमेज को मूव करेंगे तो ये सारा इमेज अलग अलग मूव हो रहा है। हम चाहते हैं कि ये जो इमेज है वो सारा एक साथ ही मूव हो, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसे पहले सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद इन सारे स्टार को सेलेक्ट कर लेंगे। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर ग्रुप हमारा इनेबल हो गया है। ग्रुप में जाएंगे और इसे हम ग्रुप कर देंगे। तो अब आप जब इमेज को मूव करोगे तो आप देखोगे ये पूरे स्टार के साथ मूव हो रहा है। अगर आपको इसे अनग्रुप करना है तो वापस से ग्रुप में जाएंगे और इसे हम अनग्रुप कर देंगे। तो गाइस यहाँ पर आज हमने लेआउट टैब में अरेंज ग्रुप को कम्प्लीट कर लिया है। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।